हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मिस फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज मैं आपके साथ में पाइनएप्पल मिनी चीज़ केक की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जिसे आजकल बच्चे नॉर्मल केक की अपेक्षा ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, और ये जितना ज़्यादा टेस्टी होता है उतना ही बनाने में आसान भी होता है। और अभी फ्रेश पाइनएप्पल बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो मैंने पाइनएप्पल का फ्लेवर देने के लिए पाइनएप्पल क्रश भी बनाया है, तो एंड तक जुड़े रहिएगा। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्रीम चीज़ केक का बेस बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर मैक्विटीज़ की डाइजेस्टिव बिस्किट्स ली हैं। इसका पूरा एक पैकेट लिया है मैंने, और इस एक पैकेट बिस्किट को हम क्रश करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये जिप लॉक का बैग लिया, और इसमें सारी बिस्किट्स को डाल के मैंने अच्छे तरीके से क्रश कर लेना है। आप चाहें तो मिक्सी में भी डाल के इसको क्रश कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से बहुत आसानी से ये पाउडर फॉर्म में आ जाती है। तो दरदरा सा हमको इसका पाउडर बनाना है। तो ये मैंने पूरा क्रश कर लिया है। आप इसको मिक्सी में भी चला सकते हैं, बहुत आसानी से उसमें भी क्रश हो जाएगा। और अब इसके बाद में एक बोल लिया मैंने, और इसमें ये सारा पाउडर हमें डाल देना है। तो ये देखिए, इस तरीके का दरदरा सा पाउडर हमें बनाकर तैयार करना है। और इसमें अब हम मिलाएंगे बटर। तो यहाँ पर लगभग 3 से 4 टेबलस्पून मैंने बटर मिला दी है। नॉर्मल मैंने सॉल्टेड बटर ली है, और इसको हमको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देना है। ये देखिए, और अब इसको हम क्या करेंगे, ये मेरे पास में एक मिनी चीज़ केक का मोल्ड है, इसमें हम नीचे इसका बेस बनाने के लिए 1-1 टेबलस्पून डालेंगे। तो ये मोल्ड आसानी से अमेज़न पे मिल जाता है, या किसी भी बेकरी शॉप में भी आपको मिल जाएगा। और ये एक ग्लास है मेरा, लगभग इसी साइज़ का। आप स्पून से या किसी कटोरी से भी कर सकते हैं। इसको हमको इस तरीके से प्रेस करके सेट कर लेना है। सारे बिस्किट पाउडर को इस तरीके से मैंने सेट कर लिया। ये देखिए, अच्छे से दबा दबा के इसको सेट कर लेना है। आप इसमें स्पून की भी मदद ले सकते हैं, या फिर कोई कटोरी हो उससे भी कर सकते हैं। तो ये मैंने सारा सेट कर लिया है। ये देखिए, एजेस जो किनारे किनारे में हैं उसको मैं स्पून से कर ले रही हूँ। और अब इसको हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। जब तक हम बाकी दूसरी तैयारी करते हैं, तब तक वो सेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हमने पाइनएप्पल क्रश बनाना है। तो इसके लिए फ्रेश पाइनएप्पल का लगभग 1/4 पोर्शन मैंने इस तरीके से पीसेस में कट कर लिया। साथ में इसमें 3 से 4 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दी, और गैस को ऑन करके लो फ्लेम पे इसको लगातार चलाते हुए हमें कुक करना है। तो धीरे धीरे करके ये चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और पाइनएप्पल भी कुक होना स्टार्ट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। जब ये थोड़ी देर पक जाए, तो इसको इस तरीके से पोटैटो मैशर से हमें बारीक बारीक टुकड़ों में मैश कर लेना है। आप चाहें तो पहले भी पाइनएप्पल के छोटे छोटे पीसेस करके भी इसको डाल सकते हैं, पर मैंने बड़े पीसेस किए थे, इसलिए मैंने इस तरीके से पोटैटो मैशर से इसको मैश कर लेना है। और अब इसको, इसका जो शुगर सिरप बन गया है, उसको ड्राई होने तक हमको इसको कुक करना है। तो ये देखिए, इसका पूरा शुगर सिरप अच्छे से ड्राई हो चुका है, और पीसेस भी बहुत बारीक बारीक हो चुके हैं कुक होने के बाद में। मैंने बीच बीच में भी पोटैटो मैशर से मैश किया था। अब गैस को हम बंद कर देंगे, और इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो ये हमारा पाइनएप्पल क्रश बनकर तैयार हो चुका है। देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है इस पाइनएप्पल क्रश का। अब इसे हम ठंडा होने देंगे, तब तक हम दूसरी प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो अगली प्रोसेस के लिए मैंने एक सूखा हुआ बोल लिया है, और साथ ही साथ में ये क्रीम चीज़ मैंने पहले से बना के रखी है। ये रेसिपी मैं आपके साथ में पहले शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल में। आई बटन में लिंक दे दूँगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में लिंक दे दूँगी। आप चाहें तो वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। आसानी से क्रीम चीज़ घर पर बनाया जा सकता है। तो इसका लगभग मैंने 1/4 कप इस बोल में डालना है। तो ये देखिए, ये मार्केट में भी आजकल आसानी से मिल जाती है वैसे क्रीम चीज़, आप मार्केट से भी ले सकते हैं। और 1/3 कप करीब पाउडर शुगर मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको पहले मैंने अच्छे से मिक्स किया, उसके बाद इलेक्ट्रिक बीटर से लगभग 1 मिनट तक हम अच्छे से इस क्रीम चीज़ को सॉफ्ट होने तक बीट करेंगे, ताकि ये चीनी के साथ में मिक्स हो जाए। और 1 मिनट बीट करने के बाद में मैंने इसमें ये हैवी क्रीम लगभग 1/2 कप मिक्स कर दी। तो ये देखिए, इसको उसके बाद में हम पहले लो स्पीड पे बीट करेंगे थोड़ी देर तक, लगभग 60 सेकेंड्स तक, और उसके बाद हम धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, तब तक जब तक कि इसके स्टिफ पीक्स ना आ जाएं। तो चूँकि क्रीम चीज़ इसमें मिक्स रहती है, तो बहुत अच्छे स्टिफ पीक्स नहीं आते हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से विप होने में कम से कम 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से विप कर लिया, और अब इसमें 1 से 2 ड्रॉप येलो फूड जेल कलर की मिक्स कर दी।
इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के लिए अब इसी इलेक्ट्रिक बीटर का फिर से हम यूज़ करेंगे। तो इसको कुछ सेकंड्स के लिए मैंने दोबारा से बीट किया जिससे कि ये येलो कलर बहुत अच्छे तरीके से पूरी क्रीम में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए कितना बढ़िया लाइट येलो कलर आया है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप है तो डालिए, वरना हम पाइनएप्पल क्रश तो डाल ही रहे हैं। और अब इसमें मैंने हमारा जो फ्रेश पाइनएप्पल का क्रश बनाया था उसे ऐड कर दिया। देखिए कितना बढ़िया येलो कलर का पाइनएप्पल क्रश बनकर तैयार हुआ है। और इसको जब हम मिक्स करते हैं तो इस क्रीम में जब इसके जो पीसेस आते हैं मुंह में तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरीके से क्रश बनाइए तो इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। अब ये हमारी क्रीम बनकर तैयार हो चुकी है और फ्रिज में से इस मोल्ड को भी मैंने बाहर निकाला और हमारी बिस्किट की लेयर भी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। और अब इस क्रीम को हम इस मोल्ड में फिल करते जाएंगे, ऊपर तक हमको इसको फिल करना है और थोड़ा सा प्रेस भी करते जाना है ताकि कोई एयर गैप ना बचे। तो इस तरीके से सारे मोल्ड में मैंने इस क्रीम को फिल कर लेना है। ये देखिए ऊपर तक मैंने फिल कर लिया है और अब एक्स्ट्रा क्रीम को हम इस तरीके से पैलेट नाइफ की हेल्प से बाहर निकाल लेंगे ताकि ऊपर की जो लेयर है वो भी अच्छी लेवल में हो जाए। इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा क्रीम को बाहर निकाल लेना है ताकि देखने में भी हमारा क्रीम चीज़ केक बहुत खूबसूरत दिखे। और एक्स्ट्रा क्रीम को हम बाहर निकाल लें, ये देखिए इस तरीके से। और भी जितनी क्रीम इधर उधर लगी दिख रही है उसको हम टिश्यू पेपर से इस तरीके से क्लीन कर लेंगे अच्छे तरीके से। और अब इस मोल्ड को हम डीप फ्रीजर में कम से कम 12 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। और ये हमारा रात भर के बाद में केक बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। इस तरीके से बहुत आसानी से इसको डीमोल्ड भी किया जा सकता है, पर इसको ओवरनाइट ज़रूर फ्रीज़र में रखिएगा। इसको अच्छे तरीके से सेट होना ज़रूरी है तभी ये इजीली डीमोल्ड होगा। तो ये देखिए इसको मैंने डीमोल्ड कर लिया है, कितना बढ़िया हमारा चीज़ केक बनकर तैयार हो चुका है। इसको मैंने एक अलग से प्लेट में रखते जाना है। ये देखिए इसको मैंने रख लिया है और इसी तरीके से मैं सारे क्रीम चीज़ केक को डीमोल्ड कर लूँगी। और अब इस चीज़ केक को हम और खूबसूरत बनाएंगे तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 2C नोज़ल का यूज़ किया है और इस नोज़ल की हेल्प से मैंने इसके ऊपर क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग की और ऊपर से टॉपिंग मैंने फ्रेश पाइनएप्पल से की। तो ये देखिए हमारा कितना बढ़िया यमी डिलीशियस और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पाइनएप्पल मिनी चीज़ केक बनकर तैयार हो चुका है। मैं इसे आपको कट करके भी दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये बहुत आसान रेसिपी है, इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ में अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिए। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।